मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम। आप आए तो थे राजनेताओं के लिए, कवियों के पल्ले पड़ गए, अब ये आपको जाने नहीं दे रहे हैं। जितना कष्ट इन सब ने आपको दिया है उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। हाँ हाँ बजा लो, कष्ट इधर ज़्यादा हुआ लगता है मुझे। आया तू आया, ला ला। अच्छा एक बात बता, सही बता, तू सरदार का फोटो पहली बार दे रहा है क्या? तो तू कभी इधर से, कभी इधर से, कभी वहां से इतने कोण बना रहा है। अरे बावड़े सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। खाम का मेहनत कर रहा है। और तुझे एक बात बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। सही बता, फोटो वोटो भी ले रहा है क्या? कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। अरे देख लो, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बना दिया था पर उसको अधिकार नहीं दिए थे। बहका के रखे हो तुम तो, भाभी ना बहकाए। कोरोना चल रहा है, ऐसे कहते हैं एक दिन म्यू पिटिको हो तो यह चक्कर में। सही में बता रहा हूँ, मैं गांव में ना है तो, हम शहर में रह रहे हैं तो बहुत काम करती थी वो। मैंने एक दिन कही, मैंने कही चुवाई हमें तो पता ना हो, हमें तो घर से चले जाते। भैया रिवानी ने इतना काम रह तू का? बोले हाँ, तुमने अवसर पर ही है। मैंने कही मैं एक बात सोच रहा हूँ तेरी दुर्दशा है देख के। बोले कहा? मैंने कही भैया कोरोना कबू लग जाए, कबू ऐसा बखत आ जाए, भैया रे दुआ होनी चाहिए। आज इतनी समस्याएं हो गई हैं कि हम हंसना भूल गए। हमको हंसने के बहाने चाहिए होते हैं तब हंस पाते हैं सर। हंसी जन्मजात संभे गए। कभी जन्म बच्चे को आप देख लेना पालने में, सोते सोते हंसने लगता है, सोते सोते रोने लगता है। ये जन्म से आई थी हंसी, हंसी जन्मजात संभे गए। लेकिन समस्याओं में हमने खुद समस्या खड़ी कर ली है। ठाकुर कृष्णपाल सिंह जी, हाँ, तो खुद हमने समस्या खड़ी कर ली है, हम हंस नहीं पा रहे हैं। वो भाई कह रहा था हंसा तो कोई भी लेता है, हंसा कैसे लेगा भाई कोई भी? मैं हंसाता हूँ। क्यों हंसाता हूँ? सुन लो मेरी बात। मैं कौन हूँ? कहाँ गया वो? आ गया काम, चले होगा। अरे वही वो कांजी बड़े से बेच रहे हो कॉलेज में थे। कह रहा था कि हंसा तो हंसा कोई भी नहीं, ऐसा नहीं लेता है। दोस्तों एक घर से चीज उठाता हूँ, मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं। बच्चा जब रोने लगता है तो हम प्यार में तोतले हो जाते हैं। उसे कहा मिला बेटा, क्यों लोया मेरा राजा बाबू? हम लुढ़क पुड़क हो जाते हैं उसके सामने, गधे बन जाते हैं, घोड़े बन जाते हैं, गधे बन जाते हैं, उसको अपनी पीठ पर बिठा देते हैं। सिर्फ किस लिए? कि उसके रोते हुए चेहरे पर हंसी की, मुस्कराहट की एक छवि आ जाए। दोस्तों मैं वही गधा हूँ जो आपके चेहरों पर मुस्कराहट देखना चाहता हूँ, आपके चेहरों पर हंसी देखना चाहता हूँ। पंकज तुम्हारी उम्र कितनी है? तेरी उम्र 42 साल है और मेरी उम्र 69 साल है। तू मेरी कद कांठी देख ले, मैं हंसता और हंसाता हूँ। अपनी देख, ऐसा मोह लगा तू आते हो जैसे बकरी आए शुगर की बीमारी आ गई हो। हंसो, हंसाओ, मस्त रहो, तमाम तमाम 100 बीमारियों की एक दवा है हंसना। मदारी हो कछो गधा बने हो यार, अब जाते ज्यादा और कहा बनू? तब तुम ना ऐसे रहे तो फिर तुम भू। सही में आदमी के, आदमी सिर्फ दुनिया में जितने जीव है 84 लाख योनियां बताई हैं, केवल आदमी हंस सकता है।
बता तुम कभी वो भैंस मुस्कुराने पर तुम्हें आई और आएगी हो बता, कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है आपने? नहीं देखा होगा। बढ़िया बात है रही हो हंसी खुशी की, ठीक है, और आदमी ना हंस रो हो तो समझ ले। हाँ, हंसी जन्मजात संवेग है। मैं थोड़े दिन के लिए आया हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। दरअसल मेरा गला खराब चल रहा है। एक बात बता रहा हूँ कि वो एक नेताजी लपेटे में प्रोग्राम आया करता था, आप शायद देखते होंगे, उसका शुभारंभ अब होने जा रहा है। वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, आप चाहें तो देखा करिए, न्यूज 18 पे आता है 8 से 9, वो शुरू होने जा रहा है। ठाकुर किरणपाल सिंह जी, नेताओं की यहाँ नेताओं का काफ़ी कुछ हुआ। ये लड़का मुझे से यूँ कह रहा था, वो राजेश वो है ना हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख वो राजेश जी हैं, वो मिलके गए थे मेरे से अपना परिचय देके। जी कह रहे कि जी जीत गए। मैंने कही तू भाई जानती ना है हमें, जाटिया हमारे इलाके हैं, हम जब तक गिनती करवा मत हैं जब तक जीते जाए। चाहे दसवें करवाने पर है, गिनती जब रुकेगी जब हम जीत जाएंगे, बात खत्म है। तो वो मुझसे कह रहे थे राजेश जी ऐसा करियो ठाकुर साहब, वो राजेश जी मेरे से कह के गए भैया वो गांव है ना, कहियो करियो ऐसे ठाड़े हुई हो सरदार जी ऐसे वो करियो। जो मैंने कही भाई एक बात बताओ, अब सरदार ने के इतने बुरे दिन आ गए कि अब जाटू सलाह दे रहे हैं, भैया ज़्यादा सियाने मत बनो करो, जाट और सरदार तो बुद्धि के मामले में साड़ू साड़ू हैं। हरियाणा से बुलाया गया हम आपके बीच में, और बहुत देर से कह रहे थे बुड्ढा है, पता नहीं अगले साल आ पाओगा कि नहीं आ पाओगा, गारंटी देता हूं 10 साल की और। क्योंकि मैं सारे देश में दुनिया बताता हूं, मैं पहले हरियाणा का परिचय दे दूं आपको कि हरियाणा का बुड्ढा कैसा होता है। मैं सारे देश में घूमता हूं, मैंने देखा है दूसरे प्रदेश का आदमी जो जो बुड्ढा होगा त्यों त्यों धार्मिक होता जाओगे। मारा हरियाणा का आदमी जो जो बुड्ढा होगा त्यों त्यों रंगीन होता जाओगे। क्योंकि हम हरियाणा के आदमी बुद्धि से नहीं दिल से जीते हैं। अभी बताऊंगा सारी बात आपने, महाराज हरियाणा में ताली बजा नहीं करते भाई, ताली पीटिया करें सर, तो एक बार जोरदार ताली पीट दो। अच्छा आज बहुत प्रेशर है लोगों पर, बड़े डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, और प्रेशर और डिप्रेशन क्या है कि खुश कैसे रहें, बन्यू टिंडा सा मुंह के बना बैठे रहोगे तो खुशी आएगी क्या? सिर निमाना है, मुस्कुराना है, जरा मुंह तो ठीक कर लो, हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। आज इस देश में दो ही चेहरे हैं, एक तो है फेसबुक का, हमने देखा ना फेसबुक का चेहरा, 80 साल का बुढ़ा हो या बुढ़िया वह 40-45 साल का दिखेगा, और दूसरा चेहरा है आधार कार्ड का, उसके नीचे लिखना यूं बाकी रह रहा है कि इस लाश को पहचानिए। तो जब तक मैं खड़ा हूं कोई यहां आधार कार्ड जैसा मुंह नहीं होना चाहिए भाई। वाह 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 वाह, ये जो बाहर जितने खड़े ना वो सारे आधार कार्ड वाले। हंसना बड़ा मुश्किल काम है, हंसाना हंसाना नहीं, हंसना बड़ा मुश्किल काम है। आप खुद तो हंस भी नहीं पाते, इसलिए कहो जो दो चार कवि बुला लो। हम जैसे वो कह रहे थे ना कि वो ताली नहीं बजाता क्योंकि आदमी रख रखे हैं,
इनमें भी हंसने के लिए आदमी चाहिए, अपने आप नहीं हंस सकते। कोई सम्मेलन करवा लो, हंसाएंगे। हंसाना सीखो, आधार कार्ड से समूह बना के मत बैठो, फेसबुक से समूह बना के बैठिए, क्योंकि हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में। हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में, कुछ दर्द तो ठीक हो जाते केवल मुस्कुराने में। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इसलिए मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, जब तक आपको यमदूत का भैंसा ढूंढ न ले, बड़ी दिक्कत होगी। ऐसे मत बैठो, चेहरा साफ सुथरा फेसबुक जैसा होना चाहिए। हंसी तभी आएगी जब आप हंसने की कोशिश करोगे, महाराज शांति के होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि कभी भी हमारा हरियाणा का आदमी क्या सोचता है कि ये बुद्धि का कम से कम प्रयोग करता है। जितना बुद्धि का प्रयोग करोगे उतनी टेंशन में आओगे। मैं जब यहाँ आ रहा था तो और भी दो चार लोग कह रहे थे, मैंने आपस में बात कर रहे थे, ये बुढ़ा क्यों बुला लिया। बोला ये उपदेश देगा, ज्ञान की बात करेगा, खाम का बोर करेगा। एक बात बता दूं भाई, एक भी ज्ञान की बात नहीं करूंगा। क्या बात है, वाह। केवल आनंद मौज मस्ती लेनी है, क्या बात है दादा। क्योंकि बुद्धि का प्रयोग हम हरियाणा के आदमी कम से कम करते हैं, ज्यादा नहीं करते। अच्छा, बुद्धिजीवी जो होता है वो बड़ा अजीब किस्म का व्यक्ति होता है साहब। बुद्धिजीवी जो है वो दिल लगाने के जगह पर दिमाग लगा देता है, उसे परेशानी होती है। हमारा हरियाणा का लगाता ही नहीं। मैं एक बताऊंगा अपने हरियाणा के बुड्ढे की बात। एक कॉलेज के लड़के ने सिगरेट जलाई और जलती ही तिल्ली उसने यूं फेंक दी। सामने हमारा हरियाणा का एक ताऊ खड़ा था, वो जलती तिल्ली ताऊ के कुर्ते पे गिर गई, ताऊ का कुर्ता जल गया, लेकिन ताऊ ने धैर्य का परिचय दिया, चुपचाप खड़ा रहा। लड़के को बड़ा अजीब लगा, हरियाणा का ताऊ कुर्ता जल गया, बोल कुछ नहीं रहा है। वो उसके पास गया, बोला ताऊ राम राम। बोला भाई राम राम। ताऊ बोला बहुत अच्छे आदमी हो, कौन से गांव के हो। नहीं बोला क्यों, गांव ने भी जलावेगा। भाई वाह वाह वाह। एक ये गाड़ी रस्ते में कहीं खड़ी है, 6334-6334 गाड़ी है, जिस किसी भैया की हो वो उसको हटा ले, उससे काफी व्यवधान पैदा हो रहा है। DL6CN गाड़ी का नंबर है 6334-6334, देख लेंगे भैया। हाँ दद्दू देख ली। एक बार तालियां बजा दो जरा जोरदार। बजा दो पीट दो, एक बार बजानी नहीं है, ताली पीट एक बार। अच्छा मैं बताऊँ ना आपको, कोई जरूरत नहीं ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं जीवन के अंदर। अगर सुख प्राप्त करना है तो दुख ही रहना है तो लगाए दो, कितना ग्रंथ पढ़ लो, जितने ग्रंथ पढ़ोगे उतनी दिमाग में ग्रंथियाँ पैदा होंगी। और जितना किसी चीज़ का एनालिसिस करोगे तो पैरालिसिस होने का पूरा पूरा खतरा है भाई। वाह 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 वाह। तो इसने दिमाग ने थोड़ी देर निकाल के बाहर रख दो, कोई जरूरत नहीं। मैं बताऊंगा अपने हरियाणा के दो आदमी खड़े थे, एक अंग्रेज आ गया, उसने अंग्रेजी में रास्ता पूछ लिया। अब वो हरियाणा के थे, अंग्रेजी आती नहीं थी, वो चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने फ्रेंच में पूछा, अब जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो फ्रेंच के जाने। फिर उन्होंने जर्मन में पूछा, फिर उन्होंने रशियन में पूछा, चार भाषाओं में रास्ता पूछा जी। अब उनको एक भी नहीं आती थी, वो चला गया। एक बोला दूसरे, तो भाई बोला एक बात बताऊं, हर आदमी को कोई ना कोई एक विदेशी भाषा जरूर सीखनी चाहिए, वक्त पर काम आ जाती है। दूसरा बोला, उस साले ने चार सीख रखी थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। बोला इस साले का कोई सी काम है। तो ये ज्यादा ज्ञान इकट्ठे करने से, ज्यादा वो ग्रंथ याद करने से कुछ अकल नहीं आएगी, बताऊं आपको। हम थोड़े से ही बुद्धि में काम चला लेते हैं। वो आगे चला गया, आगे फिर उसने एक हरियाणा के आदमी से रास्ता पूछा। अब उसको थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती थी, काम चलाओ। अगले ने दो शब्द में उसको उत्तर दे दिया। जब उसने रास्ता पूछा
तो उसने बोला गो स्ट्रेट देन आस्क अगेन। दो ही शब्दों में काम चला लिया अपना उसका। तो ये होना चाहिए। वो बिल गेट्स को 1000 आदमी की जरूरत, एक आदमी की जरूरत थी जी, 1000 आदमी इंटरव्यू देने चला गया। अब कैसे ले उनका 1000 का इंटरव्यू। उसने वो जनरल से सवाल कर दिया कि जो इंग्लिश फ्रेंच जर्मन रशियन चार भाषाएं जानता वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 50 रह गए। अब 50 में से भी एक लेना है। उसने एक शर्त तोड़ जोड़ दी कि जो इन चार भाषाओं के साथ जापनीज जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, दो रह गए। तो एक ने दूसरे से पूछा, रहे तू कहाँ का है? वो बोला मैं हरियाणा का हूँ। बोला तेरे को जापनीज आती है? बोला मन्ने तो वो चार भी नहीं आते जो उस साला ने पहले पूछी थी। फिर बोला तू खड़ा क्यों है? बोला तेरा यार का कॉन्फिडेंस देख भाई। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो कॉन्फिडेंस से जियो, बुद्धि से जीने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक अखबार ने देखा मैंने रेलवे स्टेशन में, अखबार वाले से अखबार मांग लिया हरियाणा वाले ने। बोला एक अखबार दियो। अखबार वाले ने पूछ लिया, भाई हिंदी का दूं या अंग्रेजी का? न्यू बोला रहा कोई सा दे दे, मैंने तो रोटी लपेटनी है। तो ये है जी ज्ञान। ज्यादा ज्ञान से ज्यादा कुछ नहीं है। वो कहते हैं श्री कृष्ण जी ने 18 अध्याय अर्जुन को बताए, सुनाए गीता के। आज तक आप भगवद गीता का पाठ करवाते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, एक शब्द भी आप लोगों को समझ में नहीं आया आज तक। आया है कोई? अर्जुन के भी वो 18 अध्याय बिल्कुल समझ में नहीं आए। किसने के कहा है? श्री कृष्ण ने। आखिर श्री कृष्ण ने फिर हरियाणवी स्टाइल में बताना पड़ा। उसको बताया, रहा अर्जुन या तो उन मार दे निशाले, ये तन्न मारेंगे। भाई वाह वाह वाह। तो ये है जी ज्ञान। कोई जरूरत नहीं है, आराम से जी सकते हो बिना मतलब के। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं इसमें कि आपने ग्रंथ लग लिए, ये कर लिया, बोले कुछ नहीं। बहुत आराम से कम बुद्धि में, जितना बुद्धि का इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा तकलीफ होगी आपको। छोटी छोटी बातों की टेंशन हम नहीं लेते हरियाणा के आदमी, किसी चीज़ में भी नहीं लेते, सिर्फ कॉन्फिडेंस से जीते हैं। एक सगाई करने के लिए चला गया, दूसरी स्टेट का था, उसने देखा लड़का तुतला रहा है। तो लड़की वाले ने कहा, जी आपका लड़का तो तुतलाता है। अब हमारे हरियाणा वाले का कॉन्फिडेंस देखिए। बोला जी आपका लड़का तो तुतलाता है। वो बोला जी हमेशा नहीं तुतलाता। बोला और? बोला जब बोलता है तभी तुतलाता है। भाई वाह वाह, ये जी कॉन्फिडेंस। भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। बिना मतलब कि वो करो ही मत। अब हम छोटे छोटे टेंशन ले लेते हैं। आप मंदिर में जाते हो, टेंशन देखिए क्या है। आप मंदिर में जाते हो, जूते बाहर निकालने पड़े हैं। अंदर जाके आदमी ऐसी जगह ढूंढता है जहां से भगवान के दर्शन भी होते रहे और जूते के दर्शन भी होते रहे। भाई भगवान इतना जरूरी नहीं जितने जूते जरूरी हो रहे, क्योंकि जूते उठा लिए तो नए लेने पड़ेंगे। ये भगवान ने कौन उठावा है? बैठा बेचारा कदे पूजा कर लिए उसकी। बिना मतलब कोई टेंशन है नहीं जी, हम नहीं लेते। मैंने एक छोरा से पूछ लिया हरियाणा वाले से, मैं बेटे के तेरे को टेंशन हो तो तू क्या करता है? न्यू बोला जी मैं मंदिर में चला जाता हूँ। मगर मेडिटेशन के लिए। बोला ना जी। बोला और? बोला वहाँ जो लोगों के जूते पड़े होते हैं ना, उनको मैं मिक्स कर देता हूँ, और फिर जब लोग अंदर से आते हैं और उन्हें जूते नहीं मिलते, साले टेंशन आ जाए उनके, मेरी टेंशन रिलीज हो जाती है। तो आप टेंशन रिलीज करना सीखो, टेंशन लेना मत सीखो। अब छोटी छोटी बातों की टेंशन, एक तो ऐसी बता दो जिसका प्रैक्टिकल कर सकते हो आप। आप बाजार में जा रहे हो, बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करके चले जाओ, अगले का टेंशन हो जाएगी कि यू साला था कौन जो नमस्ते करके गया। यानी नमस्ते से भी टेंशन होती है जी। एक आदमी घर से बाहर निकला,
किसी शरारती बच्चे ने दीवार पर लिखा था, इसको पढ़ने वाला गधा है। अब भाई ने पढ़ लिया, बुद्ध जीविता टेंशन होगी, मुफ्त में गुद्दा बन गया, अच्छा नहीं लगा, रुमाल निकाला, वो मिटाया, फिर चौक लाया, फिर उसके ऊपर लिखा, इसको लिखने वाला गधा है। बाद में पता चला दोनों ध्रुवो ही था भाई। वाह 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 वाह। तो ये क्यों काम करते हो ऐसे? तुम आराम से जी सकते हो, मैं तरीके बताऊंगा आपको कैसे जी सकते हैं। हम हरियाणा के जानते हैं उसको कैसे जीते हैं। मैं तो जींद के पास कर रहने वाला हूँ जी। जींद में पहले राजा हुआ करते थे आजादी से पहले, और ये राजा बड़े ऊटपटांग काम किया करते थे। मैं ज्योतिषियों के लिए ज्ञान वालों की बात बताऊं अपने। तो उस एक जींद के राजा ने घोषणा कर दी कि जो जितने भी ज्योतिषी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वो सारे इकट्ठे कर लिए और बोला भविष्यवाणी करो, मैं पहले मरूंगा या रानी। जो भविष्यवाणी करेगा उसको 10,000 रुपये इनाम, और अगर गलत हुई तो सजाए मौत। और वो ज्ञानी ध्यानी जिन्हें ग्रंथ पढ़े हुए थे सारे चुप, कि मौत का सबने डर लगे है। एक फिर वो हरियाणा गया बिना बिना अकल का। नहीं बोला जी मैं कर दूँ, बिना कर दे। बोला रानी पहले मरेगी, होगी भविष्यवाणी, 10,000 रुपये लेके चल पड़ा। वो सारे पंडित जी ज्योतिषी साहब उसके पीछे पीछे। बोला अरे तूने कैसे कर दी? बोला यार रानी पहले मर गई तो मेरी भविष्य सच, वाणी सच। अरे राजा पहले मर गया तो यार रांड मेरा बिगाड़ के लेगी। तो ये है जी कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस से जियो, कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो जीवन के अंदर तकलीफ ही तकलीफ है, कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहा करता हूं कि किसी दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ, किसी दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ, उस साले को ठेके पर पहुंचाओ। अब जब मैंने ये कहा तो अनलगवंशी जी बोले, भाई यूसुफ जी दारू पीने तक कौन सी समस्या का हल हो जाए? मगर यूं बता भाई, दूध पीने तक कौन सी समस्या का हल हो जाएगा? क्योंकि मानो तो मौज है, नहीं समस्या तो रोज है। हर पल है और हर समस्या का हल है, लेकिन समस्या वो किसी दूसरे की होनी चाहिए, अपनी का हल नहीं है। दूसरे की समस्या हो तो सब उसके हल होते हैं। तो आप ज़्यादा टेंशन में रहें न रहें, आनंद मौज मस्ती में जिए। दो चार लोग बात बता दूँ आपने, समस्याएं दूर नहीं होती जी। रोहतक रेलवे स्टेशन में देखा एक बुद्धिजीवी बहुत टेंशन में आ गया, आधा घंटा ट्रेन लेट थी, बाद आधे घंटे बाद आ जाएगी तब चढ़ लियो। देखो नहीं, रेलवे स्टेशन मास्टर के पास गया, बोला जब तुम्हारी सारी ट्रेन लेट आती हैं तो ये टाइम टेबल क्यों बनवा रखे है? वो बाबू भी हरियाणा का था। नहीं बोला जी तेरी समस्या दूर नहीं होगी। बोला क्यों? बोला जब सारी ट्रेन टाइम पर आने लगेंगी फिर तो न्यू पूछेगा ये वेटिंग रूम क्यों बनवा रखे हैं। तो एक समस्या जाए दूसरी आएगी, क्या कहने, जीना सीखो पर ढंग से। अब हमें कहते जी वो हरियाणा के अंदर कल्चर तो है नहीं, एग्रीकल्चर है। इस लपेटे ने एक ने पूछ लिया, क्या हरियाणा के अंदर आज तक कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? हमारे हरियाणा वाले से पूछ लिया, क्या हरियाणा के अंदर आज तक कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? हरियाणा वाला बोला ना जी हमारे तो बच्चे ही पैदा हुए हैं। ये बड़ा आदमी तो तारीय स्टेट में पैदा होते होंगे। ये आनंद है जी हमारा। एक तो मजिस्ट्रेट ने फांसी की सजा सुनाई हमारे हरियाणा वाले को, यूं बोले कल तेरे को फांसी पर चढ़ा देंगे। अब देखो हम कहाँ आनंद लेते हैं। बोला कल तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। यूं बोला जी अच्छा उतारोगे कदे? ये है जी हमारा आनंद। एक तो गर्मी में मैंने पूछ लिया एक से, मारे तेरे को गर्मी लगे तो क्या करता है? बोला जी मैं एसी के सामने बैठ जाता हूँ। मैं फिर भी लगे तो फिर क्या करता है? बोला फिर मैं एसी ऑन कर लेता हूँ। यानी अगला बंद एसी का आगे भी मजे ले ले है। तो ये मजे लेने सीखो, आपने मजे लेने छोड़ दिए जिंदगी के, इसलिए ये सारी उदासी और ये सब फैली हुई है। आनंद से जिए। वो एक ने रिक्शा वाले से पूछ लिया हमारा हरियाणा वाले ने कि रे रिक्शा वाले खाली है क्या?
वो बोला जी खाली हूं कि आ जा फिर ताश खेल लेंगे। ये आनंद है जी। अच्छा एक और बताऊंगा, कल मैं बैंक में चला गया, एक हरियाणा का लड़का पैसे जमा कराने के लिए आ रहा था, कैशियर ने उसके 2 500-500 के नोट निकाल दिए। यूं बोला भाई ये जमा नहीं होंगे। कैशियर बोला रे क्यों नहीं होंगे? बोला ये नकली हैं। बोला साले नकली है तो तेरे को क्या टेंशन है, मैं अपने अकाउंट में जमा करवा रहा हूँ। साले नकली करवाऊ असली कराऊं? ये है जी ठाट। एक और बताऊंगा, एक जूस पी रहा था हरियाणा छोरा, किसी ने बताया बोला भाई साहब आपके जूस में मक्की पड़ी है। अब आनंद देखिए, बोला भाई साहब आपके जूस में मक्की पड़ी है। नहीं बोला पड़ी रहने दे, साली कितना पी लेगी। तो ये आनंद है। वाह वाह वाह। इस एक बार हरियाणा आनंद के लिए जोरदार ताली पीट दो। क्या बात मैं है, वाह कविता सुनाऊंगा। हाँ कविता। मेरा नाम है जी यूसुफ भारद्वाज, अभी कह रहे थे ये टपाइयो भाई, तो क्यों पजामा पकड़ गया। मेरा नाम है जी यूसुफ भारद्वाज, जहां भी जाता हूं लोग पूछते हैं कि ये यूसुफ भारद्वाज ये क्या नाम हुआ, मगर नाम मेरा है तेरे को क्यों टेंशन हो रही। टेंशन की आदत है जी। मैं स्कूल में था, एक नया टीचर आया, मैंने उसे नाम पूछा, मैं भाई साहब आपका नाम, तो उसने अपना नाम बता जी BBK लाल। मगर माँ के लाल तो देखे भी थे सुने भी थे, यू बीबी का लाल तो पहली बार देखा। अब उसका नाम था जी क्या करें। एक बताऊंगा आखिर में, एक हमारे राम सिंह नाम का आदमी इंग्लैंड चला गया, उसने थोड़ी सी अंग्रेजी सीख ली। वो जिस दिन धूप निकलती है तो समुद्र किनारे पर जाके लेट जाते हैं, हमारा राम सिंह भी जाके लेट गया। एक अंग्रेज आया, वो बड़े सुसल होते हैं, उसने राम सिंह तरह स्माइल पास किया और फिर पूछ लिया वेल आर यू रिलैक्सिंग। मारा राम सिंह बोला नो नो आई एम राम सिंह। अंग्रेज निकल गया। फिर एक और आया, उसने वो सवाल पूछा, राम सिंह ने वो जवाब दिया। फिर एक लेडी आई बड़ी सुंदर सी, उसने पूछा वेल आर यू रिलैक्सिंग। राम सिंह ने सोचा ये साले यहाँ टिकट नहीं देंगे, कि एकांत में चल। वह एकांत में गया तो वहाँ एक अंग्रेज लेटा हुआ था। अब राम सिंह ने अंग्रेज से पूछ लिया वेल आर यू रिलैक्सिंग। वो अंग्रेज बोला यस यस आई एम रिलैक्सिंग। बोला साले तू यहाँ पड़ा है, लोग तन्ने वहां ढूंढ रहे हैं। बोला क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत ये आनंद है जी महाराज हरियाणा का। इस आनंद के लिए एक बार जोर दाल पीट दे। वाह 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 वाह। मैं नाम की और मैं ये सिद्ध करता हूँ कि धर्म सब एक जैसे हैं, धर्मों में कोई फर्क नहीं है, धर्म की भी बिना मतलब की टेंशन ले रखी है। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि हरियाणा का आदमी दूसरे स्टेट का आदमी धार्मिक होता जाता है, हम नहीं होते जी। ज़्यादा धर्म के पीछे भी मत पड़ो, ना आस्तिक बन ना नास्तिक बन, अगर बनना है तो केवल वास्तविक बन। वाह वाह वाह। लेकिन या तो आस्तिक बनेंगे या नास्तिक बनेंगे, किसी के अभाव और प्रभाव में मत आओ, न किसी के अभाव में आओ न किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। वाह 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 वाह। तो आराम से जियो, कम बुद्धि का इस्तेमाल करो, ज्ञान कम इकट्ठा करो, ताकि कम से कम टेंशन आपको रहे। तो एक नाम की कविता जिससे सिद्ध करूंगा कि सारे धर्म एक जैसे हैं जी। कि हमारे गांव में एक आदमी रहता था छेदी लाल, नाम में था छेद, इस बात का था उसको बड़ा मलाल, इसलिए वो बदलवाना चाहता था अपना नाम, हिंदू धर्म से स्वीकार कर लिया धर्म इस्लाम। अब मौलवी जी ने उसका नाम रख दिया सुराख अली। छेदी लाल के छेद की खोल दी और भी गली। अब छेदी लाल को नया नाम नया पसंद, गुरुद्वारे में पहुंच गया क्रांत सुराख ने बंद। अब भाई ज्ञानी जी ने उसका नाम रख दिया मोरी सिंह। छेद सुराख हुआ, सुराख तो हो गया मोरी, छेदी लाल बड़ा पछताया करके धर्म की चोरी। मोरी सिंह बन के छेदी लटक गया आधर्म में, फिर नया नाम रखवान चला गया गिरजाघर में। अब पादरी जी ने उसका नाम रख दिया माइकल होल। छेदी लाल का छेद और भी दिया खोल और भी। वाह वाह। सभी धर्मों में घूम के
छेदी बड़ा हुआ उदास, अंत में फिर पहुंच गया पंडित जी के पास। पंडित जी बोले, छेदी तने सारे धर्मों के अपने नाम में करवा लिए छेद, क्या पाया किसी धर्म में कोई भेद। छेदी तने सारे धर्मों के अपने नाम में करवा लिए छेद, क्या पाया किसी धर्म में कोई भेद। सारे धर्मों के छेद करवा के तने अपना नाम कर लिया बर्बाद, अब हिंदू होना चाहता है तो तेरा नाम होगा छलनी प्रसाद। पर इस प्रक्रिया में छेदी को प्राप्त हुआ है ज्ञान कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं एक समान।